Hey guys, what's up? Welcome back to the new episode, Long Drive with Faisu. और आज हमें join कर रहे हैं producer, the filmmaker, director, the one and only Farah Khan. Please welcome. Hi Faisu, how are you? मैं मस्त हूँ मैम, आप कैसे हो? अरे कितने महीनों से हम लोग प्लान ही कर रहे हैं कि हो जाए बट गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होता है कभी मेरे को ड्राइव पे ले जाने के खुद मैम बिजी हो आप शो में चले क्या चलो किधर लेके जा रहे हैं आप जहां बोलो मैं वहां लेके जाऊंगा चल लंदन पेरिस जाते हैं कहीं अरे इतना दूर थोड़ी ना मेरी गाड़ी जाएगी मैम फिर तू बोला जहां मतलब ट्राई करते हैं चलो फोन है पहले मेरे बस एक ही फोन है नहीं अभी एक फूड रील डाला हम लोग ने 90 मिलियन ओहो प्लास्टिक में क्यों खा रहे हो हाँ। अरे कितना तेल है खाने भाई हाँ। तुमको नहीं दे रही हूँ खाने को oh, no. मेरे को तो मेल पे गालियाँ आती थी मेल पे लोग मेल पे भेज रहे मुझे गाली फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई और संडे को हम लोग गरीब हो गए तो वो हम लोग ने ना बॉलीवुड का वो भी साइड देखा है 5 रुपए की 10 रुपए की टिकट पे खुश होते थे 3 घंटा साजिद और मैं दोनों डांस एक्चुअली सेव्ड आई वुड से सेव्ड माय लाइफ तो आपकी फर्स्ट मूवी आई थी मैं हूँ ना यस अच्छा वो टाइम पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि शाहरुख सर है मूवी में इसलिए मूवी तो नहीं चल रहा है 100% मेरे लिए वो मेरे लकी मैस्कॉट है बुरी मूवी की भी बात कर लेते हैं बुरी भी नहीं अभी और ऑब्वियसली शीला की जवानी वाज अ सुपर डुपर हिट बट बहुत जूते बहुत पड़े मेरे को चल छैया छैया की कोरियोग्राफी आपने की थी ना मैम 8 या 9 हीरोइंस को अप्रोच किया था वो गाना करने के लिए और अब तक वो कमी नहीं मलाइका यू ओ मी लॉट्स ऑफ मनी छैया छैया करके उसने इतने पैसे कमाए हैं ना एसआरके सर के बाद में कौन होगा बॉलीवुड का बादशाह वो देखे अंबानी का वो वीडियो देखे ना वेडिंग का अनंत अंबानी का मेरा सपना है बॉलीवुड में डेब्यू करने का करेक्ट ऐसा क्यों लगता है कि सोलो हीरो होगा शाहरुख के साथ भी ले सकते ओ कॉल शाहरुख खान एंड टेल हिम यू आर ऑन लॉन्ग ड्राइव विद फैसु हेलो लॉट्स ऑफ लव यू टेक केयर एंड बी हैप्पी हेलो मैम वेलकम टू माय शो हेलो फैजु आई एम वेरी एक्साइटेड क्या गाड़ी है तेरी थैंक यू मैम थैंक यू कांग्रेचुलेशन नहीं लिया था एकदम 2 साल पहले हां एकदम टिप टॉप कंडीशन में रखा है तूने चलाता भी है कि सिर्फ शो के लिए चला नहीं 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 चला रहा हूँ मैम चला रहा हूँ मैम मेरे शो के ना कुछ सेगमेंट है जो मेरा सबसे पहला सेगमेंट है वो है फोन त्यागना सेगमेंट फोन त्यागना हाँ तो आपका फोन का है मेरा फोन देख मैंने बैग में रखा है हाँ, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है मैम मेरा फोन देखो मैंने अपनी टीम वालों को दे दिया हूँ कौन सा वाला फोन लेके वही जो मेन है हाँ, तो तेरे कितने फोन है पहले मैं नहीं बस एक ही फोन है एक ही फोन नहीं सच्ची मैम एक ही फोन यूज कर रहा हूँ मैं मुनावर के जैसे तो नहीं है ना नहीं 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 मैम एक ही फोन है मेरे पास मेरे शो का दूसरा सेगमेंट है टॉक ऑफ द टाउन अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे आपको पता है कि डिजिटल कितना स्ट्रांग हो रहा है तो मुझे जानना है कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है डिजिटल को लेके करेक्ट अभी का अभी जानना है अभी का अभी जानना है फैजु पहले जब मैं फिल्मों में आई थी ना तो मैं कोरियोग्राफी करती थी तभी मुझे समझ में आया कि टेलीविजन का कितना बड़ा रीच है करेक्ट क्योंकि पहला रियलिटी शो इंडियन आइडल इंडिया में शुरू हुआ उसमें मैं जज थी अलोंग विद अनु जी एंड सोनू और वहां से व्हेनेवर आई टू गो मतलब उससे पहले कोरियोग्राफर को फेस से कौन जानता था सही बात कोई हम जानते थे एक बार कभी फिल्म वाले सरोज जी को जानते थे बाहर वाले बिकॉज ऑफ टीवी आई बिकेम मतलब एवरीबॉडी न्यू व्हाट आई लुक लाइक मैम आपने 100+ कोरियोग्राफी की है नहीं नहीं वो तो 200+ की है वो पहले की बात है मगर कि उस दौरान चल ही रहा था हां लेकिन 300 हो गया टीवी से इतना मेरे को पहचान मिली और अब टीवी के अलावा अभी मैं देख इंस्टाग्राम रील्स करती हूँ या जो भी या तेरे साथ आऊंगी अभी तो सोशल मीडिया का रीच क्योंकि देख बच्चे टीवी देखते नहीं है आजकल yes. मेरे तो देखते ही नहीं है उनको मालूम है फैजू कौन है उनको कोई टीवी का बता दो उनको नहीं मालूम क्या बात कर रहे हो नहीं दे डोंट नो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अप टू डेट विद व्हाट इज हैपनिंग यस मैम इसलिए तू देखेगा मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स आर डूइंग मैं 90 मिलियन व्यूज अभी तक कवर नहीं किया मैम
इंस्टाग्राम पे, बट वो हम लोग का कोला था, अर्शद, मलाइका और मेरा। अच्छा, ओके। हाँ, फूड मेरे तो जो खाने के रील्स होते सब पता है मैं आपको, कोला वगैरह भी। अरे अभी मैं एकदम अप टू डेट होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी। तो सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सही बात है। और उसके साथ जो ट्रोलिंग आती है हम लोग की, और जो कभी कभी उसको कैसा मैनेज करते हो आप? उसको मस्ती में लेने का यार, कौन ऐसे मतलब घर पे बैठकर हर चीज में एक 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 आंटी नहीं होती अपने घर में, एक आंटी या एक खाला जो चिड़चिड़ करती रहती है, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है। खाने का वीडियो डालो, अरे प्लास्टिक में क्यों खा रहे हो, अरे कितना तेल है खा, भाई तुमको नहीं दे रही हूँ खाने को, तू चुप बैठ, देखना तो देख, नहीं तो जा आगे। क्या बात है, यू हैव टू टेक, यू आल्सो मस्ट बी गेटिंग, आई डोंट नो इफ यू गेट। बहुत ज्यादा मैम, मेरे को तो मेल पे गालियां आती थी, मेल पे लोग मेल पे भेज रहे मुझे गाली, ऐसा ऐसा टाइम था। बट हाँ, वो एक वक्ती तौर पे होता है, और ना फिर ये हो जाता है कि आप किस तरीके से उस चीज को इतना पॉजिटिव दिखाओ कि आपके जो नेगेटिव, जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो थोड़ा कहीं पॉजिटिव में कहीं ना कहीं तब्दील हो जाए। देख, मेरे को हमेशा लगता है जो इतना ट्रोल करते हैं ना, वो एक ही उसका वर्ड है, जेलेसी। जेलेसी, वो जलते हैं, जलते हैं। मैम, आपकी बॉलीवुड की जो जर्नी है वो सभी लोगों ने देखा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट में मेरे शो पे आप बताओ पूरी बॉलीवुड की जर्नी, पूरी बॉलीवुड की जर्नी एकदम शॉर्ट में बताओ। देख, पहले तो मेरे डैडी ना 50s और 60s के बहुत मतलब मशहूर नहीं बोलूंगी बट वेल नोन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे। वो ना वो दारा सिंह की पिक्चरें और टार्जन, रॉबिन हुड, वैसी पिक्चरें करते थे। अभी 1969-70 में ना उन्होंने एक पहली कलर पिक्चर बनाई, उसका नाम था ऐसा भी होता है, और खुद ना पापा ने अपना सब पैसा उसमें डाल दिया कि ये श्योर शॉट है। फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हुई और संडे को हम लोग गरीब हो गए, मतलब लिटरली रिचेस टू रैग्स, ऐसा स्टोरी सुना होगा ना कभी। 14 साल ना माई डैड डिडंट गो टू वर्क, मतलब काम उसके बाद से 14 साल तक का कुछ भी, मतलब क्योंकि एक देख पठान है, एक एक ईगो होता है कि मैं स्टार था, मैं इम्पाला गाड़ी में जाता था, अभी मैं रिक्शा लेके कैसे जाऊं या मैं बस में, क्योंकि एक से एक ना गाड़ी भी बिक गई। हम लोग का पूरा फ्लोर होता था, तो एक 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 करके फाइनली हम लोग एक 400 स्क्वायर फुट के, 300-400 स्क्वायर फुट के फ्लैट में क्या बात आ गए। हाँ, तो हम लोग फिर वहां से ऑलमोस्ट Since I was 5 years old till Papa died when I was 19, हम लोग बहुत ही गरीब थे। तो वो हम लोग ने ना बॉलीवुड का वो भी साइड देखा है। फेलियर से गुजरते हो ना, तो कोई मतलब लिटरली हमारा सेइंग है ना, कुत्ता भी नहीं आता है पूछने को। तो वो देखकर पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगा कि मेरे को फिल्म बनानी है, मेरे को डायरेक्टर बनना है, जबकि वी हैड बीन क्वाइट स्कार्ड। बट आपने कोरियोग्राफी से स्टार्ट किया था ना? देख, मेरे को ना डांस में बहुत शौक था, तो हम लोग इतने गंदे टाइम से गुजरते थे ना। देख, आदमी या तो ड्रग्स में चला जाए बच्चा, ओके, या बैड हरकतें करे, या उसका सर्कल खराब पकड़ ले, डांस मिल गया तो मेरा पूरा एनर्जी वो माइकल जैक्सन और डांस करने में, ब्रेक डांस सीखो, ब्रेक डांस का पूरा ईरा था तभी, तो वो उसमें पूरा उसमें हम लोग को खुशी मिलती थी उसमें, और पिक्चर देखने में, थिएटर में वो जो भी है, हम लोग स्टॉल में बैठकर 5 रुपए की 10 रुपए की टिकट में खुश होते थे 3 घंटा, साजिद और मैं दोनों। तो वही डांस एक्चुअली सेव्ड, आई वुड से सेव माय लाइफ, क्योंकि ब्रोकन मम्मी भी घर छोड़ के चली गई थी, फिर हम लोग बहुत ही खराब चाइल्डहुड, मतलब ऐसा नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं था। और उसके बाद में मैम, जब अच्छा टाइम आया तो आपकी फर्स्ट मूवी आई थी जो आपने खुद ही डायरेक्ट की थी, मैं हूं ना। यस, कैन यू बिलीव, उसको 20 साल हो गए अभी अप्रैल 30th को। मैम, पहले मेरे को ये बताओ, आप जब वो मूवी बना रहे थे तो आपको ऐसा लगा था मैं हूं ना इतनी हिट जाने वाली है? मेरे को तो सच्ची बोलूं हैजू, मेरे को लगा था उससे भी ज्यादा हिट जाने वाली है। क्या बात कर रहे हो, मेरे को लगा था शोले तो मैं ही बना रही हूं आप सबकी, मतलब सो एक्साइटेड टू मेक दैट मूवी, और शाहरुख ऑल्सो वॉज सो हैप्पी, और बहुत ही अच्छा माहौल था, और हम लोग सबको लगता था कि ये पिक्चर माइंड ब्लोइंग है, इतनी एंटरटेनिंग है एक्चुअली। तो मुझे जब रिलीज हुई और मुझे लगा कि अरे इतनी नहीं चली जितना चलना चाहिए था, बट उसका जो आफ्टर इफेक्ट है ना, अभी एक 20 साल होने को आया, देखो याद आज है, भी आज भी लोग देखते हैं, पीपल, मैंने कितनी बार देख लिया। तो उसका आफ्टर, मैं उसका सक्सेस बहुत टाइम के बाद मैंने एंजॉय किया, और एक्चुअली मेरे को बहुत एक
एक तरफ से हमेशा बुरा लगता है कि मेरे डैड ने ना हमारा अच्छा टाइम नहीं देखा, अच्छा टाइम नहीं देखा। हाँ, बट मेरे को लगता है कहीं तो देख रहे होंगे यार। yes. तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरे को घूम फिर के मेरे को सही रास्ते पे आ ही जाती हूँ मैं। भले शाहरुख से मिलना या पिक्चर बनाना या कोई पिक्चर नहीं बनाना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, वो टाइम पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि शाहरुख सर है मूवी में, इसलिए मूवी तो चलना ही चलना है? 100% अभी भी लगता है मुझे कि अगर मैं बनाऊंगी तो शाहरुख के साथ बनाऊंगी। मेरे को मालूम है ना, 1000% चलना, चलना टाइम ले लो, रुक जाओ, बैठो। सबसे बेस्ट है कि आपका और शाहरुख सर का बॉन्ड, वही सबसे बेस्ट वो है। आई थिंक फॉर मी मोर देन फॉर हिम, आई एम श्योर मेरे लिए वो मेरा लकी मैस्कॉट है। मैम देखो, कहीं पे हमने अच्छी मूवी की बात की तो हम थोड़ी सी बुरी मूवी की भी बात कर लेते हैं। बुरी भी नहीं, पता मेरे टीम वाले बोल रहे थे कि यार ये लिख मत, नहीं तो मैम तेरे को छोड़ेगी। मैम सही बोलो तो मेरे को भी वो मूवी अच्छी लगी जबरदस्ती। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने, कुछ कुछ चीजें हैं जो लोगों को नहीं ऐसा हो पाई, नहीं समझ में आ पाई, बट मुझे तो सच में बहुत कॉमेडी लगी। मेरे को भी कभी बहुत फनी लगी थी, बट जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरी किस्मत शायद शाहरुख के साथ ही लिखी हुई है। वो होता या जो भी है या वो नहीं बनाई होती उसके साथ वो भी है, बट अभी जाकर बहुत लोग बोलते हैं बहुत फनी पिक्चर है, फनी पिक्चर है अभी। और ऑब्वियसली शीला की जवानी और सुपर डुपर हिट, उसमें से कटरीना का जो एक डांसर का अवतार निकला उसमें से, वो भी अलग था। बट बहुत जूते बहुत पड़े मेरे को उस टाइम बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो मैं हंस रही हूँ, चलो हो गया, मगर वो टाइम का जो दर्द होगा ना, वो दर्द बहुत खतरनाक होगा। तेरे को आई होप किसी को वो दर्द ना आए सच में मैम। और पूरी इंडस्ट्री में जो जश्न मनाया जा रहा था, अरे इसकी पिक्चर फ्लॉप हो गई, आई लाइक अरे ये तो साले मेरे दोस्त है यार, सब इनके लिए मैंने गाने किए हैं। मैम आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कोरियोग्राफी पसंद है या आपको डायरेक्शन में पसंद है या आपको प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर में मेरे को सबसे कम पसंद है, क्योंकि मेरी ना फितरत ही नहीं है। एक प्रोड्यूसर को ना थोड़ा कंजूस होना पड़ता है, थोड़ा पैसे बचा, और आपका काम एकदम दिल खोल के करने का, वो नहीं होता। तो मेरे को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को मेन तू पूछेगा तो मेरे को डायरेक्शन में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, डायरेक्शन में। हाँ, डायरेक्शन में, क्योंकि वो मेरा बेबी है। मैं सब करती हूँ उसमें, मैं स्टोरी भी लिखती हूँ, मैं वो डायलॉग के लिए भी बैठती हूँ, म्यूजिक भी मेरा मैं बना, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर साथ मेरे पसंद का म्यूजिक आता है, एक्टर्स भी मैं, बाकी शाहरुख को छोड़ के बाकी सब मेरे, मतलब वो मेरा प्रोजेक्ट। चल छैया छैया की कोरियोग्राफी आपने की थी ना मैम? हाँ, वो आज भी लोग वो सेम स्टेप मारने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता है कि कोई उस जैसा कर रहा है जैसा शाहरुख सर ने किया। और वो भी ट्रेन के ऊपर, वो भी ट्रेन के ऊपर चलती ट्रेन के ऊपर। कैसा मैम, कोई मेमोरेबल मोमेंट बताओ ना वहाँ का। फैजू हम लोग ने ना एटलीस्ट 8 या 9 हीरोइंस को अप्रोच किया था वो गाना करने के लिए। हाँ, तो शिल्पा शेट्टी को अप्रोच किया था, शिल्पा कोई तो कोई पिक्चर कर रही थी, लाल बादशाह या उसकी डेट नहीं थी। फिर किसी और को अप्रोच किया था, कोई हीरोइन ही, एक को वर्टिगो था, बोली मैं ट्रेन पर कैसे खड़ी होंगी। फिर एक हीरोइन पहले सेक्सी थी, उसके पास गई तो इतनी मोटी हो गई थी कि मैंने बोला मैं और क्या, ट्रेन ही नहीं दिखेगी ये खड़ी होगी। तो वैसा कर करके लास्ट 2 दिन के, मतलब लिटरली हमारे पास नहीं था। और मेरे को किसी ने मिक्की कॉन्ट्रैक्टर मेकअप आर्टिस्ट ने बोला मलाइका है ना वो अच्छी डांसर है। तो मैंने बोला मलाइका वो तो मॉडल है, हाउ विल शी डांस है ना। तो उससे बोला अभी हम लोगों के पास चारा ही नहीं था, वी कॉल्ड, आई कॉल्ड अरबाज एंड आई टुक मलाइका नंबर। वो आई उठी, लिटरली 1.5 डे का रिहर्सल किया, वो घाघरा चोली पहना उसको, नो मेकअप नथिंग, और सीधा ट्रेन पे चढ़ा दिया। क्या बात है। और देखो किस्मत होता है ना, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस। और अब तक वो कमी नहीं, मलाइका यू ओमी लॉट्स ऑफ मनी, चाया करके उसने इतने पैसे कमाए हैं। मैम मेरे शो पे आए थे आप जेफ्लिक्स के, याद है? करेक्ट, गोवा में। करेक्ट, आपने बोला था फैजू तू है ना मेरे को लेट करा दिया है, अभी तू मेरे को प्राइवेट जेट कराएगा यहाँ से। करेक्ट करेक्ट। वैसे प्राइवेट जेट तो नहीं हो पाई है, मगर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपको है ना लॉन्ग फ्लाई विद फैजू करवाऊंगा। अरे क्या बात है फैजू, चल माइंड ब्लोइंग। हाँ इंशाल्लाह मैम, चलो। मैम आपका मैंने एक चीज नोटिस किया, आप टाइम के साथ बहुत रिलेवेंट हो, आप बहुत अपडेटेड हो, जैसी भी कोई भी चीज नहीं चलती आप उसमें बहुत अपने आप को ढाल के रखते हो, ये चीज का क्या फंडा है और आप इसको क्यों फॉलो करते हो? मुझे पता नहीं फैजू, मैं ना अपने एज जितनी है ना मेरी उससे मेरा माइंड बहुत यंग है कंपेयर टू माय एज। अभी मैं बोलूंगी भी नहीं एज मेरी कितनी है, और रवीना से 6 साल बड़ी हूँ मैं। तो रवीना अपनी एज कम करती करती जाती है, तो आपका भी कम होता है। मैंने उसको बोला ये मेरा एज का भी फंडा है, आई थिंक इम्पोर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट अभी मैं फिल्म बनाऊंगी तो इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग की जनरेशन क्या पसंद है, नहीं तो फिर एक टाइम पे आकर जैसे हमने बहुत लोगों को देखा है उनके ख्यालात पुराने हो जाते हैं। और एक एक चीज अच्छी है कि मेरे बच्चे भी बहुत यंग हैं। ओके, क्योंकि मैं बहुत लेट मैंने बच्चे पैदा किए, 43 की एज पे मुझे तीन बच्चे और माशाल्लाह तीन तीन बच्चे हैं। मैम वो टाइम पे तो मतलब न्यूज फट गई थी पूरी, लोगों को मतलब अभी भी लगता है कि छह सात साल पहले फटी है ये। मेरे को बोलते हैं ना, हाउ यू स्मॉल आर योर बेबी, माय बेबी इज 16 इयर्स ओल्ड नाउ। ओह माय गॉड, 16, वी जस्ट रेड योर ट्रिपलेट्स। कमीने हैं लेकिन मेरे बच्चे मेरा बेटा बहुत बड़ा कमीना है, वो बार बार मेरे को पूछेगा आप स्कूल जाते थे मम्मा ट्रेन वॉज इन्वेंटेड दैट टाइम, तो फिर मैं भागूंगी, ट्रेन वॉज इन्वेंटेड कमीने। मैम कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ में आपको टफ लगता है काम करना? टफ टू वर्क विद वो एक्टर होता है जिसको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको करना है ना कुछ तो मैं करा दूंगी, मैं अच्छा भी दिखा दूंगी, भले आप अच्छे डांसर नहीं हो या कुछ नहीं हो, लेकिन अगर मेरा काम है कि मैं अच्छे से दिखा दूं। आपके नुक्स छुपा कर मैं आपके प्लस पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूंगी, मगर आपको करना ही नहीं है, आप कुड़कुड़ कर रहे हो, आप इरिटेट कर रहे हो, आप टैंट्रम फेंक रहे हो, आप तो फिर वो वाला एक नेगेटिव एनर्जी ऑन सेट बहुत खराब होती है, बहुत खराब होता है, खराब होती है। जैसे जब शाहरुख आता है ना सेट पे तो एक पॉजिटिव एनर्जी, सडनली एवरीबॉडी डांसर्स आर क्लैपिंग, एवरीबॉडी इज हैप्पी, सबको मालूम है अरे अच्छा। मेरा ये सवाल है जो मुझे पर्सनली जानना है, एसआरके सर के बाद में कौन होगा बॉलीवुड का बादशाह? बादशाह अभी बनना मुश्किल है यार, जो हो गया वो हो गया। ये खान का हीरा था ना एक, अभी भी लगे हुए हैं तीनों, मतलब लगे हुए। वो देखे अंबानी का वो वीडियो देखे अपना वेडिंग का, मेरे को बहुत गुस्सा आया अंबानी का। मैंने आमिर को बोला था ओम शांति ओम में, ऐसा मेरे को एक शॉट चाहिए शाहरुख सलमान आमिर, तो आमिर ने डिच मार दी मेरे को, वरना वो ओम शांति ओम में यू वुड सी ऑल थ्री खान, तो मेरे को नहीं देखना ये वीडियो। अच्छा जब आप आए थे ना वहाँ पे जेफ्लिक्स में, वो मेरा फर्स्ट टाइम था जिसमें मैं होस्टिंग कर रहा था, और मेरी इतनी फटी हुई थी ना वो टाइम पे, तो गया। से अभी तेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, अभी एकदम इजी हो गया है, इजी ब्रीजी हो गया है। तभी ऑब्वियसली तेरा फर्स्ट था और वो शो भी लेट चालू हुआ था, मेरी फ्लाइट भी थी रात को वापस जाने की। यस 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 यस, बट मजेदार था वो। मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अवार्ड इम्पोर्टेंट है या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? बॉक्स ऑफिस, उससे तो अवार्ड भी आ जा रहा है। अवार्ड अभी देख, अवार्ड का क्या है ना फैजू, अभी उनका वो टीवी शो हो गए, टीवी शो हो गए अवार्ड, तो जो स्पॉन्सर है वो बोलता है मेरे को ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो या तो इसको अवार्ड दे दो, अगर बजट नहीं है डांस कराने का तो ये फेसेस मुझे चाहिए, तो इसलिए अवार्ड कभी कभी ऐसे लोगों को जाते हैं क्योंकि आपको वो फेस चाहिए वहाँ पर। यस, तो उसका जो एक इम्पोर्टेंस या जो एक सच्चाई थी अवार्ड की, मुझे लगता है वो कहीं वो तो कहीं खो चुकी है। अभी ये एक सर टीवी शो, आपको जब मिलता है आप वो रात को खुश रहो और एंजॉय एंड फॉरगेट, और नहीं मिलता है तो डोंट बी अपसेट बिकॉज इट्स अ टीवी शो। यस, तो बॉक्स ऑफिस डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव सीन सक्सेसफुल मूवीज एंड आई हैव सीन नॉट सो सक्सेसफुल मूवीज एंड आई नो द डिफरेंस। जो आपको जो आप जब बाहर जाते हो, कल मैं मेरी फ्रेंड के साथ लंच करने गई सोम रेस्टोरेंट में, वो लेडी ने वैसे वो जो वहाँ की मैनेजर थी उसने वैसे बिल ही नहीं लिया, बिल नहीं लिया नहीं, क्योंकि मैंने हैप्पी न्यू ईयर कितने, जब भी मैं बोर होती हूँ और डिप्रेस होती हूँ मैं हैप्पी न्यू ईयर देखती हूँ, बेस्ट मूवी मैम, तो इसके लिए थैंक यू, मुझे आप बिल मत पे करो। अरे वाह, अच्छा वो ऐसा बोल रही है कि मैं जब बोर होती हूँ तो मैं वो देखती हूँ। उसने मेरे को बोला कि हैप्पी न्यू ईयर हैज गिवन मी सो मच जॉय that I don't know you please don't ma'am don't pay bill it's I want to do kya baat hai to waisa jab koi bolta hai tere ko bhi jab bolte ho alag hi khushi hai wo award wo raat ko theek hai khush ho ke aa jao ghar pe aisa koi nahi tere ko bolega ki meri picture flop ho gayi to mujhe kar par mujhe khushi hai ki mujhe award mile aisa koi agar wo bol raha hai wo jhoot bol raha hai jhoot bol raha hai jhoot bol raha hai mam mere ek baat batao mujhe main abhi tak mera sapna hai बॉलीवुड में डेब्यू करने का, और मैं मुझे 100% मेरे पे पूरा भरोसा है कि अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तैयारी करनी है अपनी एक्टिंग को लेके, डांस में अब थोड़ा बेटर करने लग रहा हूँ, बट अभी ना डांस का भी इतना नहीं है फैजू जितना ज्यादा एक्टिंग है, जितना ज्यादा एक्टिंग है और एक स्टोरी लाइन पे। तो मैम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तैयार करूँ, बट मुझे सिर्फ एक चीज जानना है आपसे, अगर मेरा फर्स्ट डेब्यू हुआ तो मुझ पर क्या रोल सूट करेगा?
देख मुझे लगता है ना तेरे को एक टपोरी ऐसा जैसा तू मतलब राउडी बॉय कॉमन राउडी वो तू इजीली करेगा है ना ताकि वो तेरे को अंदर से तू मेरे को भी है ना किसी ने तो सजेस्ट किया था कि पहली मूवी है ना देखो गली बॉय टाइप की करना चाहिए हाँ, करण सर बोले थे मेरे को लगता है कि वैसा देखो क्योंकि तू वहां से जुड़ा हुआ है ना तू तो जो तेरे इजीली आएगा जिससे लोग कनेक्ट करेंगे तो पहली मूवी में मुझे वही दिखाना चाहिए तो वैसा थोड़ा कॉमन बॉय जो लोग रिलेट कर पाए मेरी 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 एक्टिंग का लड़का हां एक अपना वैसा टाइप जैसे समझा मैम आपका क्या टेक है नेपोटिज्म पे देख मेरा नेपोटिज्म बोल के आज मैं अपने बच्चों को फिल्म स्कूल भेजना चाहती हूँ क्योंकि मैं कभी गई नहीं ओके अभी मेरे पास मींस है कि वो जाए अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर फिल्म मेकिंग सीखे या कुछ तो उसमें क्या अपना अपने डॉक्टर का बोलते हो उसमें उनकी क्या गलती है उनकी क्या गलती और वो इंटरेस्ट वही आएगा जो घर पे बात करता है ना हम लोग नेपोटिज्म वो होता है कि अगर देख तू माइंड ब्लोइंग है लगन मैं तेरे को नहीं लेती हूँ मैं किसी स्टार के बच्चे को लेती हूँ जो अच्छा नहीं है जो खराब है बट बिकॉज वो स्टार का बेटा है मैंने उसको ले लिया वो होता है नेपोटिज्म टू कि यू डोंट टेक अ वर्दी पर्सन बट अगर आपका बाप है वो आप पे पैसे लगाएगा ना वो किसी और कैसे लगाएगा जो देख अभी जैसे आलिया या रणबीर या कितने ऋतिक सब उनको नेपो किड्स क्यों नहीं दे आप वेरी वेरी टैलेंटेड कितने सारे जो टैलेंटेड है साउथ इंडस्ट्री और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है इसका जो कंपैरिजन चल रहा है इसमें क्या कहना है आपको आपको क्या लगता है ये सही है जो हो रहा है फैजू हम लोग 80s में भी यही चलता था क्या बात कर रहे हो वो टाइम पे तभी से वो साइकिल होता है तभी भी जीतू जी एंड ऑल यूज़ टू गो इन साउथ एंड डू फिर एक मणि रत्नम केम हियर देन दे सेड अरे साउथ इंडस्ट्री इज बेटर देन 90s में चला 2000 वो हर 10 साल में वो चलता ही है साउथ में क्यों बोल रही हूं हमको डिवाइड क्यों करना है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हां वो तो है हां तो मेरे को साउथ फिल्म में मजा आता है देखने को ओटीटी पे जो भी अच्छी वाली आई हैव हर्ड दैट इज वेरी गुड आई एम नॉट सेइंग आई गो एंड वॉच एवरी साउथ मूवी बट ये प्रेस को मजा आता है ना ये करने में माल मसाला थोड़ा सा थोड़ा फाइट हो थोड़ा कोई कुछ बोल दे एज फार एज आई नो वी लव दोस गाइस आई एम श्योर दे लव अस आल्सो I mean, if you even talk to Shahrukh or anybody, they love all those guys there. Yeah, they, तो ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है. But वो press में वो मजा आता है सुनने को. दो जन प्यार से रह रहे हैं. इसमें क्या मजा है? सही बात. तू था वो 2024 में मैम क्या कुछ नया देखने मिलेगा आपका हमें? देख 2024 में मेरी script तो ready हो गई है. तो अभी इंशाल्लाह दुआ करो. इंशाल्लाह. जल्दी आए. ऊपर से I think अभी मुझे YouTube चैनल शुरू करना है क्योंकि मुझे 10 लोग पीछे पड़े हैं तो उसमें आएगा तू मेरे साथ 100% मुझे ना फूड रिलेटेड करना है मेरे को फूड तो मैम आप उन कुछ प्लान करते कोई अच्छी जगह जाते हैं चलते को मैं लेके जाती हूँ किधर भिंडी बाजार जाते हैं भिंडी बाजार जाएंगे को रोक लेते हैं हम लोग पूरा जाम हो जाएगा भिंडी बाजार पक्का देखो ये लाइव हो गया और फिर लोगों का इंतजार रहेगा चैनल पे फैजू आएगा भिंडी बाजार उसको तवक्कुल किया मैं देखो भेजा मसाला और वो सब तारी का खाना खिलाऊंगा ओहो मजा आने वाली है मतलब मैम मेरे शो के सवाल तो खत्म हो गए बट मेरे पास में हाँ बस इतना ही ज्यादा नहीं मैं आपको परेशान नहीं करूंगा बट मेरे पास में ना कुछ रूमर है रूमर ये है कि आप ही पढ़ोगे और अच्छे रूमर है अभी मैं बिगड़ अब क्या अफेयर चलेगा जल्दी बोल और अच्छा ठीक है कमीने तूने भी आप 2000 हस्बैंड के जैसे बात की है वो भी बोलते हैं अभी क्या अफेयर तेरा चलेगा आप 2024 में 30 मार खां का सीक्वल प्लान कर रहे हो एक्चुअली सीक्वल बन भी सकता है अभी देख लोगों को डराने के लिए अच्छा रूमर है बदला लेना ही पड़ेगा उसका नाम है शीला की जवानी पार्ट 2 आप इतने फूडी हो कि आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो नहीं मैं रेस्टोरेंट नहीं ओपन कर रही हूँ लेकिन मुझे बहुत सारे रेस्टोरेंट में अभी फ्री खाना देते हैं क्या बात है जो मैं लेती नहीं हूँ लेकिन मगर मैंने अक्सर आपके इंस्टाग्राम पे वीडियोस खाने के ही देखे हैं सबसे ज्यादा बहुत अच्छा लगता है को खिलाना खाना अच्छा हम लोग बहुत भूखे रहे यार मैम कभी आप टाइम निकालना मेरे घर भी आना मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है 100% यूपी से है ना हम लोग इसलिए 2024 में आप मिस्टर फैसू को मूवी में कास्ट कर रहे हो क्या बात है ये तो बहुत अच्छा सवाल डाले हुए क्या बात है इंशाल्लाह
ये तो मेरे को ऐसा लगता है पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको नहीं पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सही बात है। ऐसा क्यों लगता है कि सोलो हीरो होगा, शाहरुख के साथ भी ले सकते हो? ओ मैम देखो, बस मेरे को एक बात बोलूं, ये जो मेरा नेक्स्ट सवाल है ना, ये कर दिया ना आपने तो मैम पिक्चर की तो दूर की बात है, मेरा दिन बन जाएगा। तू मेरे को आज यहाँ ऑडिशन करने के लिए? नहीं 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 नहीं, ऑडिशन नहीं कर रहा हूँ। कॉल शाहरुख खान एंड टेल हिम यू आर ऑन लॉन्ग ड्राइव विद फैसू। अरे वो फोन नहीं उठाएगा। नहीं उठाएगा, दोपहर है ना, रात के 2 बजे करो तो उठाएगा। रात के 2 बजे उठाएगा, रात के 2 बजे ही पिकअप। गाइस अब मुझे ऐसा लग रहा है भिंडी बाजार जब जाएंगे ना हम लोग, वो टाइम पे मैम एक कॉल कर लेना। ठीक है, तो मैम बहुत अच्छा लगा, मजा आ गई। मैंने नहीं सोचा था इतना ज्यादा फास्ट और इतना अच्छा हो गया। कैसा था, मजा आई? कैसा लगा शो? मजा चल रहा है, तो मैं बोलती हूं ऊपर आ चाय पी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हम जाएंगे भिंडी बाजार पक्का 100%। लवली आ गए वापस। सो गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं और हमारा बहुत अच्छा सा पॉडकास्ट निकला है, मजा आ गई मेरे को मैम के साथ में। अच्छा चलाता है, अभी मेरा ड्राइवर भी छुट्टी पे जा रहा है। ऐसा मत करो ना मैम, क्या ड्राइवर के लिए रखोगे क्या? मैं पहली मूवी के लिए सोच रहा हूँ आपके साथ में, आप ड्राइवर ही बना दोगे।